हेलो गाइस, तो कैसे हो? तो मैं वापस आ गया एक और नया वीडियो लेके माइनक्राफ्ट का सर्वर के ऊपर। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला एक और नया ऐसा माइनक्राफ्ट सर्वर जो आप लोग को फ्री में मिलेगा। 4 GB रैम, 100 CPU और 10 GB। तो इस सर्वर का नाम है QFI क्लाउड। तो ये QFI क्लाउड की तरफ से दिया जा रहा। तो ये अपने तरफ से 4 GB रैम, 100% डिस्क, ये सब मिलेगा। तो आप लोगों को पहले इधर आ जाना और इस पर लॉगिन करने का, तो आप लोगों को पता है लॉगिन कैसे किया जाता है। तो पहले लॉगिन कर लेना इनका डैशबोर्ड के अंदर। लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे आप लोग लॉगिन करते हैं, तो मैं इधर लॉगिन कर लिया। तो इधर पहले आप लोग को ये दिखा देता हूँ। इनका डिस्क्रिप्शन का भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्कॉर्ड का डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे आप लोग आने के बाद इधर देख सकते हैं, इधर आप लोग को प्रोफाइल सब देखने को मिलेगा, ये सब सब मिलेगा सर्वर। और एक और काम आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पे आप लोग को ये जो पासवर्ड यहाँ पे दिखेगा, जो पैनल का पासवर्ड रहता है, ये आपका यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। अगर आप लोग को पता करने कैसे आप इसका पासवर्ड को शो करेंगे, तो उसके लिए आप लोग को फुल वीडियो देखना होगा, कि मैं बीच में कभी भी बता सकता हूँ कि कैसे इसको फिक्स किया जाता है। क्योंकि बहुत कई होते कि देखते नहीं पूरा, तो इसीलिए बीच में कभी बता दूंगा, बीच में या लास्ट में। तो जैसे आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ, मेरा पासवर्ड इस सब डाल के मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा लॉगिन नहीं होगा। यहाँ पे मैंने जो अकाउंट है उससे मैं जिससे लॉगिन किया है को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और यहाँ पे पासवर्ड देखिए, यहाँ पे हम लोग का लॉगिन नहीं हो रहा है। तो ये लॉगिन कैसे होगा वो बताने के लिए मैं बात बताऊंगा। यहाँ पे डिस्कॉर्ड का लिंक है, तो डिस्कॉर्ड में पे आप लोग को मैं जाके दिखा देता हूँ कैसे आप लोग इनका सर्वर पे लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे पहले आ जाना, इनका डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन हो जाना QFI क्लाउड के ऊपर। तो इस पे ज्वाइन हो जाएगा, एक्सेप्ट इनवाइट पे क्लिक करना का। एक्सेप्ट इनवाइट करने के बाद कुछ आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्या ही आप करते हो ये सब, तो इन सब के जवाब दे दीजिएगा। मैं फ्री सर्विस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे सर्विस अपडेट, यहाँ पे एग्री फिनिश। तो ये हो गया हम लोग का सर्वर ज्वाइन डिस्कॉर्ड का। तो यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद आप लोग को यहाँ पे थोड़ा नीचे फ्री सर्विस दिखेगा। फ्री सर्विस पे आप लोग को एक लिंक देगा, फ्री ट्रायल सर्विस मैनेजमेंट। तो ये इस पर आप लोग को लिंक पे चला जाना। इस लिंक पे जाने के बाद आप लोग को सिंपली लॉगिन मिल जाएगा लॉगिन करने का। और यहाँ पर भी आप लोग को देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे में और भी बहुत कुछ है का चैट वेट आप लोग कुछ पढ़ा लूंगा, स्टेटस यहाँ पे दिखाते। तो चलते वापस लॉगिन वाले पे। तो यहाँ पे मैंने लॉगिन कर दिया। तो जैसे मैंने बताया था कि इसको मैं बाद में बताऊंगा कैसे लॉगिन करना इसका मेन डैशबोर्ड के ऊपर। तो चलते पहले सर्वर हम लोग अपना स्टार्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का सर्वर स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमारा सर्वर स्टार्ट हो रहा है। और मैं थोड़ा चाहूँ तो वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा, क्योंकि थोड़ा टाइम लग सकता है तो सर्वर को स्टार्ट होने में। तो यहाँ पे देख सकते हैं सर्वर हम लोग का स्टार्ट हो रहा। तो पहले मैं अपना ये सब हो रहा है, तो पहले अपना मैं इधर सीधा निकाल लेता हूँ, डेस्कटॉप मोड से हटा देता हूँ। तो ये मेरा डेस्कटॉप मोड से हट गया। तो यहाँ पे हम लोग का सर्वर ऑफलाइन दिखा रहा है, तो हम लोग वापस सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का सर्वर हो रहा है स्टार्ट। तो यहाँ से आप लोग को पूछेगा कौन सा आप लोग को जावा वर्जन चाहिए, तो मैं डाल देता हूँ जावा 21 डाल देता हूँ। तो यहाँ पे एग्री पूछेगा, एग्री का भी आपको एग्री दे देना इस पे, और आप लोग का सर्वर स्टार्ट होगा। ये सब सिर्फ फर्स्ट टाइम आपको पूछेगा जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। तो ये अब हम लोग का सर्वर हो गया, स्टार्ट हो गया। देखते देख सकते हैं सर्वर इज रनिंग, रिस्टार्ट टाइम, टाइम रिस्टार्ट हो गया।
तो चलते हम लोग अपने इधर फाइल वाला सेक्शन पे, फाइल आप लोग को कहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे ऊपर में 3 डॉट दिख रहा होगा, 3 डॉट पे जाने के बाद आप लोग को नीचे में दिख रहा होगा मैनेजमेंट फाइल्स। तो यहाँ पे आप लोग को मैनेजमेंट फाइल्स पे क्लिक करना है। यहाँ मैंने आ गया सेटिंग में अपना, मतलब यानी कि डैशबोर्ड का प्रोफाइल में आ गया। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ मेरा लिखा हुआ है, क्या क्या सर्वर आईपी सब। तो आईपी होस्ट को मैं एक बार कॉपी करके रख लेता हूँ अपना इसके अंदर, क्योंकि अभी हम लोग को एक काम भी आएगा आईपी होस्ट का। तो चलते हैं सेटिंग के अंदर। तो यहाँ सेटिंग में जाके वापस फाइल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में जाके फाइल में आ गए हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं फाइल, और यहाँ पे हम लोग पहले सबसे पहले जाते हैं सर्वर प्रॉपर्टी में। सर्वर प्रॉपर्टी में आप लोग को ऑनलाइन मोड को फॉल्स करना है, जैसे आप लोग को पता है क्रैक मोड को अगर प्ले कराना है तो उसके लिए आप लोग को ऑनलाइन मोड को फॉल्स करना होगा। क्रैक मोड या फिर टी लॉन्चर ये सब आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन मोड को खोजना होगा हम लोग को कहाँ पे है। तो ये रहा हमारा ऑनलाइन मोड, ट्रू इसको कर देना है फॉल्स। इसको फॉल्स करके कर देते हैं इसको सेव कॉन्टेक्ट्स कॉन्टेक्ट्स। ये सब करने के बाद प्लगइन में जाके जो जो आप लोग को प्लगइन डालना है प्लगइन को डाल लेता हूँ। मुझे जैसे वीगा वर्जन, वीगा वेबपोर्ट ये सब डालना है तो मैं ये सब डाल लेता हूँ। तो ये रहा वीगा वर्जन, वीगा फॉरवर्ड, गीजर, गीजर फ्लोट, चारों को डाल के अपलोड पेज सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का फाइल सब सारा अपलोड हो रहा, तो वेट करते थोड़ा देर फाइल का अपलोड होने का। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ऐसे न्यू न्यू वीडियो में डालते रहूँगा माइनक्राफ्ट सर्वर का फ्री फ्री, जैसे आप लोग कहाँ से फ्री में मिल सकता है। तो यहाँ पे हम लोग का सारा फाइल हो गया अपलोड। तो एक बार रीस्टार्ट मार देते वापस हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग को सर्वर को अपग्रेड करने बोला, तो हम लोग को अपग्रेड नहीं करना अभी। अगर आप लोग चाहते हो तो अपग्रेड कर सकते हो सर्वर को अगर और करना है। तो चलते हम लोग कंसोल में देखते हैं रिस्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का रिस्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता है, टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे हम लोग का सर्वर हो गया, रिस्टार्ट हो गया। तो हम लोग को एक और बार वापस फाइल में जाना है। फाइल में हम लोग को अपना इसमें खेल रहा है तो फोन में खेल रहा है, तो हम लोग को अपना गीजर को चेंज करना होगा। गीजर का कॉन्फिग में जाके जैसे आप लोग को अगर पता है तो फिर यहाँ पोर्ट की जगह जो पोर्ट है सर्वर का तो वही पोर्ट डालना। तो यहाँ पे मेरे 7264 है तो उसी को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 7264 7264। तो ये डाल देने के बाद एक बार चेक कर लेते हैं, सही करने 7264 ठीक है। तो चलते अब एड्रेस को खोजते हैं, एड्रेस कहाँ पे हम लोग को डालना है। हम लोग का एड्रेस 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 ये रहा एड्रेस। तो यहाँ पे इसको ऑटो को काट के एड्रेस जो हम लोग का दिया है वो एड्रेस को पेस्ट कर देना है, और पोर्ट को काट देना है। और एक और आप लोग को पोर्ट दिख रहा है उसको वहाँ पे 6 की जगह 7 कर देना है, उसको पूरा निकालना है, सिर्फ 6 की जगह 7 करना है। और यहाँ पे ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन को काट के फ्लूट गीजर को कर देना है। फ्लूट गेट सॉरी, फ्लूट गीजर नहीं। तो इतना कुछ करने का तो आप लोग को सेव कर देना है और कुछ चेंजेस नहीं करना है। और सॉरी जल्दी से गलती से हो गया तो इसको काट देते हैं। अब जाके सेव कर देते हैं। तो इसको सेव कर देने के बाद आप लोग को एक और बार सर्वर को कर देना है रिस्टार्ट।
तो चलते हैं कंसोल में। कंसोल में जाने के बाद रिस्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे हम लोग का सर्वर हो रहा है रिस्टार्ट। यहाँ पे अगर आप लोग को नहीं पता है तो अभी यहाँ पे माइंड का अभी डिस्काउंट चल रहा है दिवाली के ऊपर। तो आप लोगों को जैसे आप लोग अगर 1930 रुपये का सिर्फ माइनक्राफ्ट मिल रहा है, तो अभी जाके आप लोग जल्दी से खरीद लीजिए माइनक्राफ्ट जिसको ओरिजिनल माइनक्राफ्ट चाहिए। अभी भी आप लोग क्रैक में खेल रहे तो क्रैक वाले माइनक्राफ्ट, तो आप लोग जाके खरीद सकते हैं, ओनली सिर्फ 30 रुपये चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का सर्वर भी हो गया रिस्टार्ट लगभग लगभग। तो यहाँ पर लोग का सर्वर हो गया रिस्टार्ट। तो चलता है हम लोग अपना गेम के अंदर, चेक करते हैं कैसा चलता है। तो आज हम लोग गेम के अंदर अपना, तो चलते हैं इधर अपना न्यू ऐड करेंगे। यहाँ पे आईपी एड्रेस को पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पोर्ट को काट के जो पोर्ट है उस पोर्ट को डाल देता हूँ 7264। सॉरी, और ऊपर से इस पोर्ट को काट देता हूँ। यहाँ पे नाम मैं रख देता हूँ लाइफ टाइम। तो ये सर्वर हम लोग का ऑनलाइन यहाँ पे दिख रहा है, तो चलते हैं हम लोग ज्वाइन करते हैं। और आप लोग का ये सर्वर उसी हिसाब से चलेगा जैसा आप लोग का नेटवर्क चलेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि सर्वर स्लो है स्लो है, लेकिन सर्वर स्लो नहीं होता है। आप लोग का इंटरनेट जैसे चलेगा वैसे आप लोग का सर्वर लोड लेगा। अगर आप लोग का नेटवर्क सही चल रहा है तो आपका लोड सेट लेगा ना इन्हें लेगा। तो यहाँ पे थोड़ा लोड लेने में थोड़ा टाइम टाइम लेगा क्योंकि मेरा ये नेटवर्क स्लो चल रहा है। तो आधा लोड ले लिया, तो इधर लोड लेना बाकी है, लोड ले रहा धीरे धीरे। तो चलते हम लोग ऊपर, ऊपर तरफ हम लोग का लोड ले चुका होगा। तो देख सकते हम लोग का थोड़ा हम लोग का स्मूथ चल रहा है, तो कोई लैग वैग तो नहीं कर रहा, हम लोग का इजली चल रहा है। यानी कि आप लोग आराम से इसमें SMP सब खेल सकते हैं फ्रेंड के साथ, या फिर लाइव स्ट्रीम बना के खेल सकते हो। थोड़ा लोड लेने में टाइम ले रहा है मेरा स्क्रीन। ये हो रहा, पेड़ वेड़ को आप लोग काट के भी देख सकते हो। थोड़ा ये लैग हो रहा है मेरा फोन, क्या हो रहा है रे बहु मशाई। तो यहाँ पे पेड़ वेड़ काट काट के चेक कर लेता हूँ नेटवर्क मेरा कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे मेरा ठीक ही चल रहा है नेटवर्क, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा लैग करने लगा था मेरा फोन, इसलिए मुझे रिस्टार्ट करना पड़ा। तो यहाँ पे मेरा ये होने लगा, ठीक चल रहा है। तो चलते आप लोग को अब गेम मोड ऑपरेटिव करके दिखाते, गेम मोड को कैसे ऑपरेटिव में जाना है आप लोग को ATV सब में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पॉपअप निकाल लेता हूँ सर्वर का। तो यहाँ पे साइड में मेरा पॉपअप निकल गया सर्वर का। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ op:kz डैश किलर 534। ये डालने के बाद इसको कर देना इंटर। आप लोग को एंटर कर देने के बाद देख सकते हैं हम लोग को ऑपरेटिव मिल गया सर्वर का। तो आप चलते हम लोग गेम मोड को क्रिएटिव करके चेक कर लेते हैं। गेम मोड क्रिएटिव, सॉरी क्रिएट लिख दिए यार, ये क्रिएटिव इंटर हो। तो हम लोग आगे क्रिएटिव मोड में, तो देखते हैं आगे चल के थोड़ा। तो देख सकते हैं हम लोग का स्मूथ चल रहा है, और यहाँ पे चंक भी अब धीरे धीरे जल्दी लोड ले रहा है मेरा, नेटवर्क का स्पीड चल रहा है इसलिए।
और एक बात बोलना, आप इसको गूगल के थ्रू आप लॉगिन नहीं कर सकते, इसको आपको डायरेक्ट डिस्कॉर्ड के थ्रू ही लॉगिन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉगिन का ये होगा नहीं होगा, लॉगिन का ऑप्शन आएगा तब, जब लॉगिन करना है आप लोग को। तो चलते आप लोग को, आप बताते हैं आप लोग को कैसे आप लोग लॉगिन करेंगे उसके, उसमें आप डैशबोर्ड के अंदर आप लोग कैसे लॉगिन कर सकते हैं। बार बार एरर आ सकता है आप लोग को, जैसे मैंने बताया। तो पहले आप लोग को इधर चले जाना अपना उस पे, अपनी जो डैशबोर्ड जो मैंने निकाला था जहाँ पे लॉगिन करके आप लोग को दिखा रहा था, उसके नीचे आप लोग को दिख रहा होगा एक फॉरवर्ड करके, फॉरवर्ड पासवर्ड। पहले आप लोग को ईमेल डाल के उस पे जाके आप लोग को एक बार फॉरवर्ड पे क्लिक कर देना है। फॉरवर्ड पे क्लिक करने के बाद चलिए आप लोग को बताते, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा लॉगिन कंटिन्यू का जो डैशबोर्ड मेन दिखा रहा था लॉगिन वाले साइट पे, यहाँ पे आप लोग फॉरवर्ड वाला आप लोग दिख रहा होगा। आप लोग को जैसे मैंने बताया था यहाँ पे आप ईमेल ये सब जो डालना था वो सब डाल देना, और फॉरवर्ड पे आप लोग क्लिक कर देना। जैसे आप लोग फॉरवर्ड पे क्लिक करके पूछेगा कौन सा ईमेल, जो आप ईमेल से आपने लॉगिन किया था डिस्कॉर्ड को, वही ईमेल को आप लोग को ये डालना, या फिर आप लोग को वहाँ पे अपना प्रोफाइल पे जाके चेक कर सकते हैं क्या कौन सा ईमेल लॉगिन है। वहाँ पे फॉरवर्ड पे क्लिक करने के बाद आप लोग को एक ईमेल आएगा, ईमेल पे आप लोग क्लिक कर देना। और ईमेल पे आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग का एक रिसेट पासवर्ड और एक लिंक दिखेगा, आप लोग को ये लिंक दिख रहा होगा, पहले उसको कॉपी कर लीजिएगा लॉन्ग प्रेस करके। कॉपी करने के बाद आप लोग उसको आ जाएगा इधर वापस सर्वर के अंदर, और यहाँ पे आप लोग को पेस्ट कर देना, और आप लोग अगर इंटर करेंगे तो आप लोग का ये सर्वर लोडने लगेगा। तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को इसका ऊपर में साइड में एडिट दिख रहा होगा, एडिट पे क्लिक करके आगे चले जाना, और यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा लोकल होस्ट स्लैश लोकल होस्ट स्लैश दिख रहा होगा, तो वहाँ से खाट काट दीजिएगा लोकल तक। उसके बाद आप लोग को इसको कर देना इंटर, इंटर कर देंगे तो आप लोग को यहाँ पे आ जाएगा फॉरवर्ड पासवर्ड करने का ऑप्शन, यानी कि क्या पासवर्ड आप लोग को रखना है न्यू क्रिएट। तो मेरा लोडिंग ले रहा है, हाँ आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल, ईमेल पासवर्ड कंफर्म, पासवर्ड न्यू पासवर्ड आ गया हमसे पूछने के लिए। तो आप लोग यहाँ पे अपन अपना न्यू पासवर्ड डाल के इजिली आप लोग लॉगिन कर सकते हैं अपने उस सर्वर के अंदर, क्योंकि आप लोग को वहाँ पे सर्वर में पासवर्ड प्रोवाइड नहीं होगा, इसलिए आप लोग को यहाँ पे इस टाइप से करना है। अगर आप लोग इस टाइप से नहीं किए तो आप लोग का सर्वर लॉगिन नहीं हो पाएगा। अगर आपने कुछ गलती कर दिया तो आपने सर्वर यानी कि मिस कर दिया। इसी तरह से आप लोग और भी कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपना सर्वर बनाया था, ये देख सकते हैं यहाँ पे है मेरा सर्वर। तो यहाँ पे चल जाता हूँ मैं इधर, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, इसे कॉन्फ़िग कर सकते हैं शेड्यूल, इसमें अब शेड्यूल यहाँ से डाइट फिक्स कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे समथिंग। अरे भाई क्या कर रहा है, देख सकते हो यहाँ पे मेरा एक सर्वर दिखा रहा है न्यू यूजर, यानी कि आप लोग मैनेजमेंट, आप लोग किसी को मैनेज करने के लिए सर्वर देना है तो मैनेजमेंट में क्लिक करके आप लोग उसको दे सकते हैं। और यहाँ पे कॉन्फ़िग में आप लोग को कॉन्फ़िग का अगर कुछ करना है, चेंजेस करना है सर्वर में, तो ये सब चेंजेस कर सकते हैं यहाँ से। ऑनलाइन आप लोग का प्लेयर कितना है वो सब आप लोग को दिखा रहा है, यहाँ पे मैनेजर से ज्वाइन किया तो मेरा आईडी डी यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से आप लोग डायरेक्ट दे सकते हो क्या क्या यहाँ पे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा मेन डैशबोर्ड जो है। तो आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो मेरा लाइक एंड सब्सक्राइब जो कीजिएगा, कमेंट में बताएगा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर मेरे डिस्कॉर्ड में जाके मुझसे पूछ सकते हो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं आप लोग को जरूर फिक्स करके दूंगा। तो मिलते हैं आप लोग से ऐसे नए वीडियो में, तब तक से बाय बाय।